हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। आज मैं एक बुक रिव्यू करने वाली हूँ। ये बुक मैंने अपने बेटे के लिए अमेज़ॉन से खरीदी है और ये बुक मुझे बहुत पसंद आई है, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रही हूँ। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बुक मुझे खुद बहुत अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाऊँ ताकि अदर पेरेंट्स भी इसे खरीदें और इसका फ़ायदा उठाएं। सो ये बुक क्लास टू इंग्लिश के लिए ओसवाल बुक्स की वन फॉर ऑल ओलंपियाड्स है। ये वन पैकेज फॉर ऑल ओलंपियाड्स है, यानी जितने तरह के ओलंपियाड्स होते हैं, चाहे वो SOF ओलंपियाड हो, टैलेंट सर्च ओलंपियाड हो, या क्रेस्ट हो, या और जो भी ओलंपियाड हो, जिस भी ओलंपियाड में आपका बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, सभी के लिए ये यूजफुल है। इस तरह से इसको तैयार किया गया है। ये क्लास टू के लेटेस्ट सिलेबस को कवर करते हुए बनाया गया है। इसमें क्लास टू के सारे टॉपिक्स हैं और ये सारे बोर्ड्स के लिए सुटेबल है। जैसे इसके कंटेंट देखते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सिंपल टेंसेस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जेंडर, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कंप्रिहेंशन, वर्ड पावर, रिडल्स, वोकैबुलरी, स्पेल बी, और फिर लास्ट में सैम्पल क्वेश्चंस पेपर फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों दे रखे हैं। ये भी दे रखा है इन्होंने। देन ये सभी तरह के ओलंपियाड, चाहे जितनी भी तरह के ओलंपियाड हों, सभी के लिए ये सुटेबल है, क्योंकि इसका सिलेबस को इस तरह से ध्यान में रख के ही इसके कंटेंट को तैयार किया गया। और इस बुक की सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी माइंड मैप लगी है। ये माइंड मैप एक क्विक रिवीजन देता है चैप्टर की। इस तरह से इन्होंने हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में एक माइंड मैप दे रखा है। जैसे ये वर्ब चैप्टर है तो इसके स्टार्टिंग में इन्होंने इसका माइंड मैप दे रखा है कि ये वर्ब्स की मीनिंग क्या है, व्हाट इज वर्ब, ये इसकी डिफिनेशन हो गई। देन एग्जाम्पल्स विद फोटो है ताकि बच्चे को मजा आए पढ़ने में। फिर वर्ब्स की टाइप्स, लिंकिंग वर्ब एंड एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स की मीनिंग, इसके एग्जांपल्स, लिंकिंग वर्ब्स के टाइप्स और इसके मीनिंग, फिर उनके एग्जांपल्स। इस तरह से एक मैप के थ्रू इन्होंने सब कुछ शो कर रखा है कि इस चैप्टर में क्लास टू में बच्चों को क्या पढ़ना है विद एग्जाम्पल। तो ये क्विक रिविजन हो गया। अगर बच्चे ने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो क्विकली रिवाइज करे, रिमाइंड करे और फिर MCQs बनाए। या अगर पहली बार चैप्टर रीड आउट कर रहा है बच्चा, पहली बार आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रही हैं, तो डिटेल में इस तरह से आप उसे रीड आउट करवाइए और लाइन बाय लाइन समझाइए इसको। फिर इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है विद एग्जांपल्स बहुत सारे। फिर आती है MCQs। तो हर एक चैप्टर के लिए इन्होंने बहुत सारे MCQs दे रखे हैं और मजेदार बात यह है कि फोटोग्राफ्स भी हैं ताकि बच्चे को ये बोरिंग ना लगे, उनको ये अट्रैक्टिव लगे और इंटरेस्टिंग लगे। फिर लेवल 1 के बाद लेवल 2 के भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। साथ में इन्होंने ये क्वेश्चन किस ओलंपियाड में पूछा गया है, किस ईयर पूछा गया है, उसको भी मेंशन करा है। तो इससे और यूजफुल हो रहा है, ये पता चल रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन अचीवर सेक्शंस के क्वेश्चन हैं और जैसे ही चैप्टर के MCQs खत्म हो रहे हैं, उसका आंसर की वहीं दे रखा है। ऐसा नहीं है कि सभी का आंसर लास्ट में दे रखा है और बार बार पीछे पलटो और उसके आंसर को मैच करने के लिए ढूंढो। यहाँ वो कन्फ्यूजन भी नहीं है, एंड होते ही उसका आंसर दे रखा है। आंसर का एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है इन्होंने कि ये ऑप्शन क्यों सही है, उसको बच्चे से एक्सप्लेन करिए आप। तो इस तरह से ये और यूजफुल हो जा रहा है ये। देन चैप्टर के एंड में इन्होंने QR कोड दे रखा है जिसे स्कैन करके आप इसका वीडियो भी बच्चे को दिखा सकती हैं। तो विजुअली भी बच्चा फ़ोन से देख कर सीख सकता है, सुनकर सीख सकता है, या फिर यहाँ पढ़कर, पढ़ाकर, समझाकर आप उसे चैप्टर सिखा सकती हैं। फिर बहुत सारे MCQs हैं जिससे उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही है। कुल मिलाकर ये बुक हर तरह से यूजफुल है। या तो आप इस तरह से बुक से पढ़ाइए या वीडियो से पढ़ाइए स्कैन करके, ये फैसिलिटी भी है। फिर अगले चैप्टर में फिर से माइंड मैप आ गया और उसका एक्सप्लेनेशन है। जैसे ही चैप्टर एंड होगा, फिर से उसके QR कोड दे रखे हैं इन्होंने, उसको स्कैन करो, फिर से नेक्स्ट चैप्टर की माइंड मैप आ गई। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और फिर ये वैसे पेरेंट्स जो वर्किंग हैं या किसी और कारण से उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो बच्चे के लिए वर्कशीट बनाएं या गूगल करके कंटेंट को समझें फिर बच्चे को समझाएं, उनके लिए भी बहुत यूजफुल बुक है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ ही उन्होंने QR कोड भी दे रखा है कि वीडियो भी देखो और बच्चे को समझाओ किस तरह से, और फिर प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। तो मैं कहूँगी कि पेरेंट्स, ये बुक मस्ट बाय बुक है, इसे ज़रूर खरीदें, गो फॉर इट। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और ये बेस्ट सेलर भी है, तो इसे ज़रूर खरीदें, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.